नमस्कार किसान साथियों, पुनीटवाणा में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा और पंजाब में सब्सिडी की प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, जैसे पंजाब में 15 तारीख लास्ट डेट है और हरियाणा में 25 तारीख लास्ट डेट है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में सब्सिडी जो है ऑनलाइन कैसे आपने अप्लाई करना है। चलो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे, गूगल में लिखेंगे एग्री हरियाणा। एग्री हरियाणा लिखने के बाद आप इसे एंटर करेंगे, जो सबसे पहले आपको वेबसाइट दिखाई देगी वही अपनी ओरिजिनल वेबसाइट है डिपार्टमेंट की। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर के मेन्यू पे क्लिक करेंगे और दूसरे नंबर पे अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा। यहाँ पे दिया गया है एग्री एप्लीकेशन अप्लाई करना है 29 तारीख से 25 तारीख लास्ट डेट इसकी दी गई है। इसको थोड़ा और इधर करेंगे, वी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वी पे क्लिक करेंगे। वी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आप इसमें बिल्कुल नीचे आइए, यहाँ पर सभी मशीनों की जानकारी दी है कि किस मशीन के ऊपर कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी। थोड़ा और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंडिविजुअल और सीएससी। यहाँ पे इंडिविजुअल और सीएससी दो कॉलम दिखेंगे। अभी मैं आपको आज सिर्फ इंडिविजुअल कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले किसान साथियों, नीचे एक लिंक दिया गया है जिसमें अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा। यहाँ एक नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। आगे जब आप अप्लाई करेंगे तो इसकी ज़रूरत रहेगी। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। आगे बढ़ने से पहले ये फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करके इसके अंदर डिटेल ज़रूर अपनी डाल के इसका पीडीएफ तैयार रखें। जैसे इसके अंदर सबसे पहले मैं नाम, पिता का नाम, गाँव, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कौन सी मशीन पर आपने सब्सिडी लेनी है उसकी जानकारी, आपका आधार कार्ड नंबर, उसके बाद आपके ट्रैक्टर की वैलिडिटी कब तक की है, आरसी की वैलिडिटी, आरसी के ट्रैक्टर का नंबर, और लास्ट में है जो मेरी फसल मेरा ब्यूरो पंजीकरण नंबर। ये डालने के बाद यहाँ पे आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट, गांव और मोबाइल नंबर। इतना करने के बाद इसको आपको फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ बना लेना गूगल में, उसको तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक हर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको तीन तरह के ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, मेरी फसल मेरा ब्यूरो, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान। परिवार पहचान अभी इसमें काम नहीं कर रहा, आप सिंपली यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, अपना आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यूरो रजिस्ट्रेशन करते समय दिया हुआ है। वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से नीचे डिटेल शो होगी, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल यहाँ पे दिखा देंगे। वो डिटेल को चेक करना है। चेक करने के बाद व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, वो कोड डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। सबसे पहले कोड को एंटर करेंगे। कोड को एंटर करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को दर्ज करेंगे। ओटीपी वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको उसको चेक कर सकते हैं। कोई मिस्टेक है तो उसमें जो चीज़ चेंज हो सकती है उसे चेंज कर सकते हैं। बैंक डिटेल आप खासकर ज़रूर चेक करें, वेरीफाई करें, अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको अपडेट करें। इतना चेक करने के बाद उसके बाद आप इसे सेव प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज लॉगिन होगा, जहाँ पे सबसे पहले आपसे कास्ट, पैन नंबर, ट्रैक्टर आरसी का नंबर, ज़मीन की डिटेल, उसके बाद आपको सबसे पहले हम भरते हैं, चलो पैन नंबर, कास्ट,
सबसे पहले हमें कास्ट भरना है। कास्ट सेलेक्ट करने के बाद पैन नंबर को एंटर करना है। पैन नंबर के बाद ट्रैक्टर की आरसी का नंबर एंटर करना है, आपकी ज़मीन की डिटेल उसमें एंटर करना है। ज़मीन की डिटेल एंटर करने के बाद आपने जिस मशीन पर सब्सिडी लेना है उसे सेलेक्ट करना है। मशीन सेलेक्ट करने के बाद ऐड मशीन टू लिस्ट पे क्लिक करना है। ऐड मशीन लिस्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको शो हो जाएगी जो मशीन आपने ऐड की है। आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई अदर मशीन सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी, कास्ट सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग फॉर्म और ज़मीन के डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट आपने पहले ही अपने पास तैयार कर लेना। अंडरटेकिंग फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे पहले ही डाउनलोड करके रख दिया था, ये डॉक्यूमेंट भी आपने तैयार करके रखना है। वन बाई वन इनको अपलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड, ट्रैक्टर आरसी, अंडरटेकिंग, ये सभी फॉर्म अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे कोड दिया गया है, उस कोड को एंटर करना है और ऊपर आई एग्री पे क्लिक करना है। कोड एंटर करने के बाद आपको वापस नीचे आना है, सबमिट करके उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से डिटेल आएगी, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ज़मीन, मशीन और अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन्हें देख सकते हैं। 2500 रुपया इसकी फ़ीस रहती है प्रोडक्ट की, जो रिफंडेबल रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे 15 मिनट का समय दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट कैसे करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पेटीएम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म पेमेंट कर देते हैं। किसान साथियों, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके ज़रूर रखें। इसके बाद आप यहाँ पे एक प्रिंट इनवॉइस है, इस पर क्लिक करें। इसको भी आप प्रिंट निकाल के अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके ज़रूर रखें। इन दोनों की आपको आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। किसान साथियों, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप खुद से ट्राई न करके किसी सीएससी सेंटर या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हैं कि इमेज को पीडीएफ बनाना है जो आप नहीं बना पाएँ। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। भविष्य में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपका फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।